दोस्तों, पक्षियों की कुल 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। कुछ बेहद खतरनाक, कुछ बेहद सुरीले और कुछ बेहद विचित्र होते हैं। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे दुनिया के 6 सबसे विचित्र और भयावह पक्षियों के बारे में, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। अपनी उज्जवल सजावटी पंख और बेहतरीन डांस के लिए जाने जाने वाला सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज बेहद सुंदर और प्रसिद्ध है। न्यू जिनेवा के जंगलों में रहने वाले इन पक्षियों में मादा पक्षियों के मुकाबले नर पक्षियों की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए नर बच्ची मादा पक्षियों को आकर्षित करने के लिए संभोग डांस करते हैं, जो बेहद ही मन भावना होता है। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज बेहद ही छोटे आकार के, लगभग 26 सेंटीमीटर बड़े और 60 से 100 ग्राम तक वजनी होते हैं। दूसरे नंबर पर है रिबन टेल्ड स्ट्रापिया। पपुआ न्यू जिनेवा के जंगलों में पाए जाने वाले यह पक्षी अपने लंबी पूंछों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हालांकि यह पूंछ केवल नर पक्षियों में ही होते हैं और वास्तव में यह दुनिया में पक्षियों के किसी भी अन्य प्रजातियों की तुलना में अपने शरीर के हिसाब से लंबी पूंछ इन्हीं की होती है, और इनके पंख की पूंछ की लंबाई 3 फीट तथा इनके शरीर की लंबाई 1 फीट होती है। तीसरे नंबर पर है मैग्निफिसेंट फ्रिगेट बर्ड। यह पक्षी अपने गले में बने लाल रंग के विचित्र थैली के लिए जाने जाते हैं, जो कि सिर्फ नर पक्षियों में ब्रीडिंग सीजन के दौरान पाए जाते हैं। ये पक्षी इन थैलियों को गुब्बारे की तरह दिन भर फुलाते पचकाते हैं। फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय उड़ाने में बिताते हैं। छोटी मछलियों, स्किड्स और जेलीफिश इनके मुख्य भोजन होते हैं। चौथे नंबर पर है लॉन्ग वॉटल्ड अम्ब्रेला बर्ड। अपने सिर के ऊपर बने इस अजीबोगरीब छतरीनुमा आकृति और इनके गले में लटकते हुए इस लंबे बैटल की वजह से इन पक्षियों को लॉन्ग वॉटल्ड अम्ब्रेला बर्ड के नाम से जाना जाता है। कोलंबिया के जंगलों में रहने वाले इन पक्षियों के कीड़े, छिपकली और बादाम मुख्य आहार हैं। पांचवे नंबर पर है माराबाऊ स्टॉर्क। माराबाऊ स्टॉर्क नाम इस पक्षी को दुनिया के सबसे बदसूरत पक्षी के रूप में जाना जाता है। इसके गुलाबी सिर और जे गर्दन होते हैं, इसकी वजह से एक पिचास की तरह दिखता है। माराबाऊ स्टॉर्क मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये 60 इंच तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और इनका वजन 9 किलोग्राम तक बढ़ता है। माराबाऊ स्टॉर्क दुनिया के सबसे बड़े पंख वाले पक्षियों में से एक है। यह कबूतर, बतख और पेलिकन्स जैसे पक्षियों को शिकार करते हैं। 6 नंबर पर है सूबिल। सूबिल नामक यह पक्षी प्रागैतिहासिक दिखने वाला पक्षी है, जो मुख्य रूप से सूडान और जाम्बिया के अंतर्गत पाया जाता है। इस पक्षी के चोंच 7 से 8 इंच तक लंबे होते हैं, जो इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। सूबिल आमतौर पर रात में सांप, छिपकली और चूहों को अपना शिकार बनाते हैं। अन्य कई प्रजातियों की तरह सूबिल भी विलुप्त प्रजातियों में से एक है। पूरी दुनिया में केवल 8,000 ही सूबिल बचे हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।